अब मैं एक चाय की दुकान पर आया हूँ, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए, थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करता हूँ। घोसी मऊ जिले में आता है और एक तहसील भी है। क्या नाम है चाचा आपको? बालचंद यादव। बालचंद यादव। क्या चुनाव का माहौल चल रहा है? चुनाव में तो हम लोग शुरू से ही सफाई रहे और सब सफाई रहे, सफाई रहेंगे अखिलेश। वो तो रहेंगे आप। अच्छा, पोजीशन ठीक चल रही है। सुधाकर का मामला क्या? सुधाकर बहुत बढ़िया चल रहा है। कौन कौन है इधर, कौन कौन है उधर? कौन कौन इधर है माने सपा की तरफ कौन कौन वोटर है और भाजपा की तरफ कौन कौन है? अब सपा अपनी आकर हम जिम्मेदार हैं भाई, कौन कौन है हमारे तरफ। 50 घर यादव की बस्ती है इधर लाइन के पूरब, हरिजन बस्ती है, भटौली है, सब मुसलमान बस्ती है, यादव की है, हरिजनों की है, लेकिन सब सपा के। दलित वोटर तो अच्छा, एक बात और कि कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी के समर्थन में अपना कैंडिडेट नहीं उतारा और बीएसपी ने भी यहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है। यहाँ करीब 4,30,000 के करीब वोटर हैं, जिसमें 90,000 मुस्लिम वोटर हैं और 60,000 दलित वोटर हैं, और ये एक बड़ा ब्लॉक है वोटरों का। और बीएसपी का जो वोटर है उसके किधर जाने की उम्मीद आपको लगती है, क्योंकि उनका बड़ा इम्पोर्टेंट है मामला? बीएसपी का वोट सपा को पड़ रहा है, 95% पड़ रहा है, और सपा यहाँ से 50 से 60 हज़ार वोटों से जीतेगी। और हर वर्गों में हम लोग को वोट मिल रहा है, चाहे जितने पिछड़े वर्ग के हैं लोग, हर एक कास्ट वोट मिल रहा है। शासन प्रशासन का कुछ? शासन प्रशासन कुछ भी करे, मतदाता जब पूरा भरपूर पेटी में वोट डालेंगे तो उसको कोई रोक नहीं पाएगा, चाहे कितना प्रशासन और शासन लग जाए। आपका नाम भी? जी, गोवर्धन यादव। यादव जी लोग यहाँ कितना वोट है? 56,000 है। उमन तो एक को बाए ना जाए, एक भी नहीं बाए जाएगा, पूरा पड़ेगा और चाप के पड़ेगा सुधाकर सिंह को। और किसका पड़ेगा? और एससी का पड़ेगा, मुस्लिम वर्ग का पड़ेगा, कुहार लोहार हमको वोट दे रहे हैं, गोंड वोट दे रहे हैं, हमको हर एक वर्ग में वोट मिल रहा है। राजभर? राजभर में भी हमको 25 से 30% वोट मिल रहा है। निषाद? निषाद में भी मिल रहा है 40% तक। तो ये जो इंडिया गठबंधन आज मुंबई में बना है, तो ये एनडीए को 2024 में टक्कर दे पाएगा कि नहीं, अभी ये सवाल उठने। इंडिया और एनडीए के बीच पहली चुनावी लड़ाई घोसी उपचुनाव में हो रही, इसलिए पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है। गठबंधन यहाँ से जीत रहा है, यही संदेश जाएगा पूरे हिंदुस्तान में उपचुनाव का कि गठबंधन वहाँ जीता। आप भी यादव जी है? नहीं, बिरादरी से क्या मतलब है, पूछ रहे हैं। नहीं, यादव हम नहीं है, लेकिन जो सत्य है वो हम बता रहे हैं कि सर्व समाज जो है विधायक जी के साथ है। आपका नाम क्या? हमारा नाम सुनील है। रुकिला रुक नहीं गए, बिरादरी की बात नहीं, सर्व समाज हम कह रहे हैं। बिरादरी का कोई चुनाव होता है उत्तर प्रदेश में? नहीं, सब बिरादरी है, लेकिन यहाँ बिरादरी से मतलब नहीं है। बिरादरी से हटकर चुनाव हो रहा है, सर्व समाज का ही चुनाव है ये। पब्लिक चुनाव लड़ रहे, न कि विधायक जी लड़ रहे, न पार्टी लड़ रही है। हुआ था साल भर पहले चुनाव ना? हाँ, तो कितना वोट पाए थे? 22,000 से जीते थे समाजवादी यहाँ। 1,22,000 कुछ मिला था। हाँ, वो जो है 1,08,000 वोट मिले थे सपा को। मैं जान रहा हूँ, पिछला चुनाव यही दारा जीते थे, तो चौहान वोटर भी तो है बहुत। हाँ, तो कितना है, जोड़ लीजिए उनका वोट और हम लोगों का वोट जोड़ लीजिए, और हर 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 वर्ग का वोट जोड़ लीजिए। एकदम गणित लगा के बैठे, एकदम गणित लगा के 50 से 60 हज़ार से ज्यादा ही जीत होगी, ये चैलेंज दे रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब दूसरी जगह चलते हैं, यहाँ एक ही तरह के लोग ज्यादा बैठे हैं।